सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के आगरा जिला के बारे में आप लोगों के साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा जानकारी जरूर पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले करूंगा आप लोगों से रिक्वेस्ट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगरा जिला उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक आगरा जिला के नाम से जाना जाता है। आगरा जिला उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग की ओर बसा है जो राजस्थान राज्य से बिल्कुल सटा हुआ है। आगरा अपनी पुरानी पहचान की वजह से पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन कर चुका है, क्योंकि आगरा में ही दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा आगरा में मौजूद है, जिसे हम लोग ताजमहल के नाम से जानते हैं। इस जिले का हेडक्वार्टर आगरा शहर में मौजूद है और आगरा जिला आगरा डिवीजन के अंतर्गत आता है। आगरा जिला होने के साथ साथ यह प्रशासनिक डिवीजन भी है, जिसका हेडक्वार्टर भी आगरा शहर में मौजूद है। आगरा डिवीजन के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, आगरा जिला, फिरोजाबाद जिला, मैनपुरी जिला और मथुरा जिला है। आगरा जिला के उत्तर भाग की ओर उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला, पूर्व भाग की ओर उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला, दक्षिण भाग की ओर राजस्थान का धौलपुर जिला और पश्चिम भाग की ओर राजस्थान का भरतपुर जिला से घिरा हुआ है। आगरा जिला का इतिहास देखा जाए तो यह एक ऐतिहासिक जगह है जो अपने आप में बहुत खास है। आगरा का इतिहास खास तौर पर मुगल काल से जाना जाता है, क्योंकि दुनिया का अजूबा ताजमहल, आगरा किला और स्वामी बाग आगरा जिला के लिए कई वर्षों से पहचान बनाई हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि पहले आगरा को आयग्रह के नामों से भी जाना जाता था। आगरा शहर को सिकंदर लोधी ने साल 1506 ईस्वी में बसाया था। आगरा जिला मुगल साम्राज्यों के लिए सबसे पसंदीदा जगह हुआ करती थी। साल 1526 से साल 1658 तक आगरा मुगल साम्राज्यों की राजधानी हुआ करती थी। आगरा जिला के मुख्य नदी का नाम यमुना नदी है। यमुना नदी के किनारे पर बसा यह जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 336 किलोमीटर की दूरी पर है और देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 212 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगरा जिला में 6 तहसील, 15 ब्लॉक, 2 लोकसभा, 9 विधानसभा, 40 पुलिस स्टेशन, 347 डाकघर, 1 नगर निगम, 5 नगर पालिका परिषद, 7 नगर पंचायत, 695 ग्राम पंचायतें, 13 शहर और 906 गांवों में बटा है। क्षेत्रफल की बात करें तो इस जिले का क्षेत्रफल 4041 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगरा जिला में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 7,10,570 के करीब है। आबादी की बात करें तो आगरा जिला की कुल आबादी 44,19,000 के करीब है, जिसमें कि पुरुष की आबादी 23,65,000 है और महिला की आबादी 20,54,000 है। इस जिले का औसत लिंग अनुपात 868 के करीब है, यानी कि 1,000 पुरुष पर 868 महिला है। इस जिले में हिंदू धर्म की आबादी 39,20,000 है, यानी कि 88.5%, मुस्लिम धर्म की आबादी 4,15,000 के करीब है, यानी कि 9.5% के करीब है। शिक्षा की बात करें तो इस जिले में कई ऐसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल है जिसके माध्यम से आगरा जिला के वासी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस जिले में 2 विश्वविद्यालय स्थित है, पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, दूसरा दयालबाग विश्वविद्यालय। वैसे इस जिले की साक्षरता दर 71% के करीब है। आगरा जिला के 44,19,000 की आबादी में 31,64,000 लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें की पुरुष 19,07,000 पढ़े लिखे हैं, लगभग 80% के करीब, और महिला 12,57,000 पढ़ी लिखी है, लगभग 61% के करीब है।
व्यवसाय की बात करें तो आगरा जिला के आबादी के अनुसार इस जिले में 13,90,000 लोग काम करने वाले वर्कर हैं, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों शामिल है। इस 13,90,000 वर्कर में सरकारी नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरी करने वाले, किसान और मजदूर भी शामिल है। इस जिला में काम करने वाले वर्कर यहाँ के आबादी के अनुसार लगभग 31.5% के करीब है। आगरा जिला की मुख्य व्यवसाय खेती भी है। यह जिला काफी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर करता है। खेती के लिहाज से यह जिला काफी उपजाऊ है। इस जिले के मुख्य फसलों का नाम धान, गेहूं, बाजरा, सरसों और आलू यहां के मुख्य फसल है। आगरा जिला उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था देने वाले जिले के लिस्ट में आता है, जिसमें कि बड़ी संख्या में घरेलू कारोबार भी शामिल है। यहां अधिक मात्रा में चमड़े के व्यवसाय, जूता के कारखाने, इलेक्ट्रिक सामान के कारखाने, प्लास्टिक के कारखाने, पाइप बनाने के कारखाने, कागज कलम के कारखाने के अलावा भी कई और छोटे बड़े उद्योग इस जिले में स्थित है, जिसके माध्यम से आसपास के लोगों को रोजगार मुहैया प्रदान करवाता है। टूरिस्ट स्थलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश का आगरा जिला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह भरपूर और पूरे दुनिया में मशहूर है। यहाँ पर कई सारे महत्वपूर्ण टूरिस्ट स्थल है, जिसके माध्यम से टूरिस्ट इन जगहों का सैर कर सकते हैं। आगरा जिला के टूरिस्ट स्थलों में शुमार ताजमहल, बुलंद दरवाजा, आगरा किला, मेहताब बाग, फतेहपुर सिकरी, इतिमाद उद दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा, जामा मस्जिद, ताज म्यूजियम और आगरा जिला के सिटी शॉपिंग जैसे कई महत्वपूर्ण नामों से लोग वाकिफ होंगे। आगरा जिला सड़क और रेल के माध्यम से भारत के ज़्यादातर शहरों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस जिले के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 2, नेशनल हाईवे संख्या 3, नेशनल हाईवे संख्या 11 और नेशनल हाईवे संख्या 93 गुजरती है। यह जिला बस के माध्यम से भी यात्रियों को पड़ोसी जिला के साथ साथ शहर के छोटे बड़े गाँव तक बस सेवा मुहैया कराती है। आगरा जिला में कुल मिलाकर 24 रेलवे स्टेशन है, जिसमें कि हॉल्ट भी शामिल है। इस जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन है, जो दिल्ली मुंबई लाइन पर और दिल्ली चेन्नई लाइन पर स्थित है। आपको बता दें, आगरा में एक एयरपोर्ट भी स्थित है, जिसका नाम खेरिया एयरपोर्ट है, जिसकी दूरी आगरा शहर से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हवाई अड्डा नई दिल्ली से सीधे जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आगरा जिला के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।